प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो प्रॉपर्टी करने से पहले हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीरियर एंगल्स होते क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ओके, नाउ इंटीरियर मीन्स तुम लोग को अगर नाम से ही समझ में आता होगा क्या होता है, अंदर अंदर साइड का, इनसाइड। तो इनसाइड डायग्राम कौन सा एंगल, देखो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये है और एक ये, ऐसे चार एंगल्स हैं इनसाइड द डायग्राम। तो अभी हम देखते हैं इसमें इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल क्यू एम एन, इस एंगल का इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, एंगल एम एन एस, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले। ओके, देन सेकेंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो एंगल पी एम एन, ये वाला एंगल, एंगल एम एन आर, ये वाला एंगल। तो ये क्या है बेटा, हमारे इंटीरियर एंगल्स है। ये हमने पहले आइडेंटिफाई करना सीखा, अब हम इसी में क्या सीखेंगे, इनका प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो समीशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अंडरस्टूड, समझा? सो एंगल देखो, पी एम एन प्लस एंगल एम एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। देन सेकेंड वन इज एंगल क्यू एम एन प्लस एंगल एम एन एस, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। अंडरस्टूड? yes.